टॉपिक पर फोकस करेंगे। अगर पहला मुख्य निष्कर्ष देखा जाए इस 5-6 दिन की कार्यशाला का, तो पहला मुख्य निष्कर्ष तो यह है कि हमें लक्ष्य को लक्ष्य की तरफ पहुँचाना है, लेकिन कहीं रास्तों को तो लक्ष्य की तरफ लेना चाहिए। तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस बनना, डांसर बनना, ये सब रास्ते, हमने रास्ते को रास्ते की तरह और लक्ष्य को लक्ष्य की तरह पहुँचा होना समृद्ध होना हमारा लक्ष्य। पहला मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का देखने को। दूसरा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का देखने को वो ये है कि हम जो सुखी और समृद्ध और उसकी निरंतरता चाहते हैं वो सिर्फ सुविधा से पूरी होगी या समझ, समय और सुविधा तीनों से पूरी होगी। पहला मुख्य निष्कर्ष ये कि लक्ष्य और रास्ते हमको पीछे स्पष्ट हुए कि नहीं। दूसरा मुख्य निष्कर्ष ये कि हमको समझ, समर्थ, सुविधा, ये तीनों अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक लगते हैं। ये दूसरा मुख्य निष्कर्ष। ये जो तीसरा मुख्य निष्कर्ष था इस शिविर का, कार्यशाला का, वो ये हमने क्या समझा, अपने चार स्तर की व्यवस्था के हारमनी को समझने और जीने को सुख के रूप में समझाया। तो चार स्तर की व्यवस्था के हारमनी को समझता और वैसा जीना हमारे लिए सुख, ये तीसरा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का। चौथा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये है कि हमने समृद्धि को ठीक से समझा, तो हमको अपने घर की आवश्यकता स्पष्ट हो, कितनी आवश्यकता है, उससे अधिक हम जुटा सके, ये हमारे लिए समृद्धि है। सिर्फ जुटाते जाए आवश्यकता का पता ही ना हो, ये फिर समृद्धि नहीं। चौथा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये है कि समृद्धि को ठीक ठीक समझा जाए। चार बातें मुख्य हो गई। फिर पांचवी मुख्य बात जो इस कार्यशाला की है वो ये है कि हमने मानव को मैं और शरीर, स्वयं और शरीर के दोनों वास्तविकताओं को समझाया, कि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से पूरी होती है, दोनों की क्रियाएं भी अलग हैं। ये पांचवा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का है। फिर छठा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये है कि हमारे भीतर एक कल्पनाशीलता चलती है, ये कल्पनाशीलता हम देख पाए थे और ये कल्पनाशीलता हमको सुखी दुखी भी करती है। जैसे बाहर एक दुनिया दिखती है वैसे ही एक दुनिया भीतर भी चल रही है, वो हमको सुखी भी करती है और अगर सहज स्वीकार करता है कल्पनाशीलता तो हमको सुखी करती है, अगर वही कल्पनाशीलता सहज स्वीकार नहीं होती है तो हमको दुखी करती है। तो हमारा सुख दुख बाहरी दुनिया से हो सकता है पूरा, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता से भी हमारा सुख दुख। पांचवा मुख्य निष्कर्ष था इस कार्यशाला। फिर छठा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये था कि हम इस शरीर को जो हमको बचपन में व्यवस्थित शरीर प्रकृति द्वारा मिलता है, इस पूरे शरीर यात्रा के दौरान हम अपने संयम के भाव को समझकर, सेल्फ की जिम्मेदारी को समझकर इस शरीर की व्यवस्था को बनाए रख सकते, तो ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसा भोजन बना के रख सकते जिससे जो व्यवस्थित शरीर हमको बचपन में मिलता है पूरे उम्र इसकी व्यवस्था बनी है। ये हमारा कक्षा निष्कर्ष था, ये छठा निष्कर्ष। सातवां मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये था कि परिवार व्यवस्था के लिए सिर्फ सुविधाओं के लेन देन भर से परिवार व्यवस्थित नहीं है, भाव का लेन देन भी आवश्यक है। और भाव का लेन देन तभी ठीक से हो सकता है जब भाव हमको ठीक से स्पष्ट हो, समझ में आ गया। ये सातवां मुख्य निष्कर्ष। फिर हम लोगों ने विश्वास को समझा। विश्वास पे आठवां मुख्य निष्कर्ष ये था कि चाहना अलग है और करना अलग है, समस्या करने और योग्यता में हो सकती है, चाहना तो सुखी होकर सुखी करने का भी, मेरा भी और दूसरे का। ये हमारा आठवां मुख्य निष्कर्ष। नौवां मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का ये था, सम्मान के भाव को समझना, अर्थात दूसरा मेरे जैसा है ये हमको स्पष्ट होगा, ये हम दूसरे को अपने जैसा स्वीकार के बात कर पाए,
चाहे वो हमसे बड़ा हो छोटा हो, पद पे बड़ा हो छोटा हो, है ना, हमसे इस भी उम्र में बड़ा हो छोटा हो, अब कर पाए दूसरे को अपने जैसा दिखाए के बाद, ये हमारा कौन सा निष्कर्ष था, नवा निष्कर्ष। तो दूसरा मेरे निष्कर्ष हो गए। दसवा मुख्य निष्कर्ष था स्नेह, दूसरे के साथ जो हम संबंध को स्वीकार रहे हैं, शर्तों के साथ अब बिना शर्तों के, बिना शर्तों के जो दूसरे को संबंध को स्वीकार पा रहे हैं, इसी को क्या कहा, कितने निष्कर्ष हो गए, दस। अब ग्यारहवा मुख्य निष्कर्ष था ममता और वात्सल्य, ममता है संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण का भाव, वात्सल्य है संबंधी के शरीर के प्रति, संबंधी के स्वयं के प्रति समझदार जिम्मेदार बनाने का, एक शरीर से संबंधित और दूसरा स्वयं, ये हमारा ग्यारहवा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का। बारहवा मुख्य निष्कर्ष इस कार्यशाला का था श्रेष्ठता को समझना और विशेषज्ञता को श्रेष्ठता क्या था, चार स्तर की व्यवस्था के हार्मोनी की स्पष्टता श्रेष्ठता, विशेषज्ञता हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नाम से बनते हैं, ये विशेषज्ञता, और श्रेष्ठता विशेषज्ञता दोनों आवश्यक है, ये बारहवा मुख्य निष्कर्ष था। बारह तेरहवा मुख्य निष्कर्ष था जिन्होंने भी चार स्तर की व्यवस्था को समझने का जीने का बनाए रखने का प्रयास किया है, उनके प्रति जो भाव है उसे क्या कहा था, गौरव। जिन लोगों ने मुझे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है उनके प्रति जो भाव है उसको क्या कहा था, तो गौरव और कृतज्ञता का स्पष्टता भी तेरहवा मुख्य निष्कर्ष था। हर हम हर एक के साथ संबंध पूर्वक जीना सह स्वीकार करते हैं, तो हर एक के साथ के संबंध पूर्वक जीने की स्वीकृति है, उसी को क्या कहा, तो प्रेम है, सिर्फ आदमी तक ही सीमित रहेगा या प्रेम पौधे पशु पक्षी हर एक इकाई तक जा सकता है, तो ये हम लोग का चौदहवा मुख्य निष्कर्ष था। पंद्रहवा मुख्य निष्कर्ष ये था समाज में व्यवस्था के चार लक्ष्य और पांच उपाय, चार लक्ष्य कौन कौन से, हर व्यक्ति में समझदारी, हर परिवार में समृद्धि और आपस में अभय और प्रकृति के साथ परस्पर, पांच कार्यक्रम कौन से थे, शिक्षा सत्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा और ये पंद्रहवा निष्कर्ष। ठीक, तो अभी तक अगर देखें तो आज छठे दिन तक हम लोग जितना भी सत्र किए हैं पंद्रह मुख्य निष्कर्षों की चर्चा की, तो पंद्रह मुख्य निष्कर्ष ध्यान में है, ये पंद्रह मुख्य निष्कर्ष के भाग इस पंद्रह में से कोई किसी को ध्यान रहता है, कोई किसी को चार, किसी को आठ, किसी को दस, किसी को पंद्रह, तो ये निष्कर्ष आपके ध्यान में आने जरूरी है, तो ही जाके हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन के ट्रांसफॉर्मेशन की, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमने सुन लिया, याद कर लिया, परीक्षा में लिख दिया, नंबर आ गए, पास हो गए, पढ़ाई पास होने के लिए हो रही है, जीने के लिए समझ में आना आवश्यक है, जो समझ में आया है उसका निष्कर्ष निकलना आवश्यक है और वो निष्कर्ष हमारे भीतर बने रहना, अभी वो जीने में आ सकता है, एग्जाम की तरह से याद किया लिखा भूल गए, तो जीने के लिए तो निष्कर्षों का निकलना आवश्यक है, पंद्रह निष्कर्ष हम लोगों ने अंदर निष्कर्ष होता है कंक्लूजन, ये तो शब्द हो गया अंग्रेजी और हिंदी का, लेकिन उसका मतलब समझे गया, तो जैसे मैं इस कॉपी में एक पन्ना लिखा, एक पन्ना का अगर हमसे पूछा जाए कि एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं, तो इसका सार निकाल करके बता देना कि ये एक लाइन में कहना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसका एक लाइन का सार समझते, सारांश समझते, सारांश मतलब इतनी बड़ी बात है उसको मुख्य बात क्या है, छोटी सी मुख्य बात जो एक तरह से सारी बातों को समेट, तो जैसे आप कहते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगा,
लेकिन कोई पूछ देता है क्या अच्छा लगता है तो कठिनाई हो जाती है, तो क्या अच्छा लगा, अब आप उसको पूरा 8 दिन का कार्यकाल सुनाने लग जाइए तो उसको कठिनाई हो जाती है ना। तो क्या मुख्य बात होती है कि जो निष्कर्ष हमने निकाले, हम उस निष्कर्षों को अपने लिए भी रखे रहते हैं, कोई पूछता है तो उसको बताए, फिर उसमें से कोई पूछता है कि भाई इसका क्या मतलब, समृद्धि का क्या मतलब, सुख का क्या मतलब, फिर आप उसको थोड़ा फैला करके बता देते कि आवश्यकता को पहचान लेना, फिर उसको पूरा कर लेना, दोनों हो जाना समृद्धि। तो इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं कि जो हमने पढ़ा उसके निष्कर्षों को निकाल के अपने पास रख लिया, तो उसके आधार पर हमारे जीने में सहयोग मिलता है, कोई पूछता है तो हम उसका भी सहयोग करते हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है, इतनी बात हम लोगों ने अभी तक किया, इस पर आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है, प्रकृति में आप लोग
आप बिना देखे दो दिन करने का अभ्यास शुरू कर अगले जब आप पेपर लेके बोलते हो तो लगता है कि आपका विश्वास कम है तो बिना किसकी आदमी एक बार कोशिश करो बिना देखे बोलने का तुम्हें आपको समझ में आता है फिर आप देखे बोल देना एक बार बिना 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 कॉपी देखे बोलने की कोशिश करो जो कुछ याद क्या है अच्छा प्रकृति के कुछ उदाहरण क्या क्या प्रकृति क्या क्या चीजें प्रकृति में हैं मानव है परिवार परिवार है समाज प्रकृति अस्तित्व पहले आपको जो भी समझ में आता है वो उदाहरण के साथ आपने कहा था वेरी वेरी
सबको, समूह मतलब सबको मिलाकर, समूह का मतलब सभी को मिलाकर, ग्रुप यस। इकाइयों के समूह को क्या कहा? प्रकृति। जितने भी इकाई हैं, जैसे हम सब लोग यहाँ लगभग 50 लोग बैठे हैं, तो कितने इकाइयां हैं यहाँ पर? 50 है ना, लगभग 20 डेस्क हैं और ये बैठने वाले है ना, तो कितने ये इकाइयां हो गई? 20। ये बहुत सारी पंखा की इकाई हो गई, बहुत सारी इकाइयां हो गई ना, और इस कमरे के बाहर भी बहुत सारी इकाइयां हैं। इन सभी इकाइयों के समूह को क्या कहा? बात स्पष्ट हो रही है? अभी लिख लीजिएगा, पूरा चर्चा कर लीजिएगा, थोड़ी बात और कर लीजिए, चलिएगा थोड़ी सी बात। अब आप देखिएगा, जैसे लोहा है, मिट्टी है, पानी है, पेड़ है, घास है, पौधे हैं, चिड़िया है, बंदर है, गाय है, भैंस है, आदमी है, ये क्या सब एक ही तरह की इकाइयां है या इनको थोड़ा अलग अलग किया जा सकता है? अलग अलग किया जा सकता। तो जैसे लोहा है ना, लोहा है आपका, तांबा है ना, स्टील है, पीतल है, इन सबको एक कैटेगरी में रख, एक ग्रुप में रखा जा सकता है। शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने, पदार्थ, पदार्थ प्रकृति को देखने के लिए एक शब्द है पदार्थ, इसको कहा गया पदार्थ अवस्था। इसके उदाहरण क्या है? मिट्टी भी पदार्थ अवस्था में आया कि नहीं है? आएगा। लोहा आएगा, पानी आएगा, जितनी धातुएं हैं आएगी, और भी बहुत सारी तरह की लकड़ी भी कहा आएगा, सूखी लकड़ी पदार्थ। लिखने का काम एक साथ कर लेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं, लिखने का काम एक साथ कर लेंगे, कॉपी बंद कर लीजिए, पहले चर्चा तो फिर मैं आपकी बात का जुगाड़ होगा, फिर आप काटेंगे करेंगे, तो एक बात इकट्ठे कॉपी बंद। दूसरे तरीके से पहले हम लिख लेते हैं, फिर पढ़ते चर्चा करेंगे, यदि चर्चा करेंगे लिखेंगे बोर्ड पे, आप आराम से पदार्थ अवस्था पहचान लेंगे, पदार्थ अवस्था पहचान लेंगे। ये तक कहाँ आएगा? और ये बोर्ड पदार्थ। एक दूसरी अवस्था है जिसको कहते हैं प्राण अवस्था। तो जैसे पेड़ है, पौधे हैं, घास, हवा बेटा ऊपर आए प्राण, घास है, तो इसको कैसे अवतर करेंगे? पदार्थ अवस्था में क्या आएगा और प्राण अवस्था में क्या आएगा, कैसे अंतर करते हैं? जैसे ये पेन, अगर इस पेन को यहाँ रख जाओ, साल भर बाद आओ तो पेन ऐसा ही इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन एक पौधा यहाँ लगा जाओ और साल भर बाद आओ तो पौधा पौधा भी बना रहेगा और अपनी आकृति से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेन यहाँ रख गया तो पेन तो बना रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? अब जैसे डेस्क है, इस डेस्क को यहाँ रख दिया आपने, 6 महीने बाद आए तो डेस्क इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पेड़ की तरह बढ़ के बढ़ा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने घास लगा दी यहीं पर, घास अगर मिट्टी है और घास लगा दी तो घास उतना ही बना रहेगा और फैल जाएगा, तो वो चीजें जो वैसी ही बनी रहती है ना, बढ़ती नहीं है, तो उसको क्या कहा? पदार्थ। पदार्थ। और जो चीजें आपने लगा दिया और उस दिन बाद देखे तो वो थोड़ी बढ़ गया, उनको क्या कहा? प्राण। समझ में आ रही? जैसे आप लोग के घर में ना गमलों में पौध कुछ लगा रखा है, कहा है वो? पदार्थ में, प्राण में। गमला है मिट्टी का या उसका प्लास्टिक का, वो कहाँ आएगा? पदार्थ। और वो जो मिट्टी है, पदार्थ। लेकिन जो तो पौधा लगा रखा है, पदार्थ। इसके किसी घर में मनी प्लांट का पौधा लगा है, वो कहाँ आएगा? वो कहाँ आएगा? पदार्थ। क्यों आएगा? प्राण में। क्यों बढ़ता जा रहा है? किसके किसके घर में अपने
छह महीने रख के छोड़ दें तो क्या होगा? वो भी नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? पदार्थ। लेकिन मनी प्लांट कहाँ आएगा? प्राण। मनी पदार्थ में मनी प्लांट प्राण। अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। आपके कैंपस में कॉलेज के कुछ पेड़ हैं बड़े बड़े ना बाहर, वो कहाँ आएंगे? समझ आ रहे? एक तीसरी अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं जीव अवस्था। जीव अवस्था के उदाहरण जैसे आप देखेंगे ना, तो जैसे पेड़ है बाहर अमृत का पेड़ मान लीजिए, तो अमृत का पेड़ कौन सी अवस्था में आएगा? उसपे कोई चिड़िया बैठ के अमरूद जो खा रही है, चिड़िया कहाँ आएगी? अमरूद के पेड़ में और चिड़िया में कोई अंतर है? ऐसे ही वहां गाय भी घूम रही है, पेड़ के पत्ते खा रही है, वो गाय कहाँ आएगी? जीव अवस्था। जीव भी जीव अवस्था में आएगी। और क्या उदाहरण हो सकते हैं? भगवान भी जीव अवस्था में आएगा,
जबकि चक्कर कुछ चल रही कोई गंभीर मुद्दा फंस गया सरकार बनाने वाले हैं या क्या गया कुछ वो बन रहा प्रोग्राम देगा आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो कि ये आपको और उसको करना ये बता दो तो मैं इलाज करा मेरे को इलाज बहुत सारे पता है एक इलाज करके दिखा देता हूँ कैसे हो सकता है कौन किसको डिस्टर्ब करना है ये तो लड़का बचने का तरीका है कोई ज्यादा कर रहा आपको तो मन कर रहा प्राण अवस्था का कोई उदाहरण होगा आप लोग ये बात क्योंकि आगे की तीन मिनट पे हमको एक मिनट आप तो बैठ रहे हो आपसे जो पूछा हो तो आपने बताया आपने क्या बैठते और आप बैठते भी लिखते भी बहुत कम है क्या लिखते भी हो तो सुनते तो बहुत कम है ठीक है कि नहीं जी तो ज़्यादातर समय आप एक काम करते हैं मैं आपके बाद भी कह रहा हूँ क्या किस समय से भी कह सकता हूँ दूसरा क्या आ सकता है बताओ मानव के अलावा और कोई आ सकता है ज्ञान अवस्था पहचान उसकी है जैसे मान लीजिए पशुओं को ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे जैसे अपने को दिखाना पड़ता है यहाँ पर बंदरों को तो डेढ़ घंटा क्लास नहीं जाएंगे तो होता समय समय पर उनको चने फेंकते रहते हैं क्या वो बैठते नहीं तो उछल के उधर जाते हो उछल के लेकिन जो ज्ञान अवस्था की इकाइयाँ होती है ना वो बिना खाए भी घंटों बैठ कर चर्चा वो ज्ञान उनके लिए प्रमुख है आज दिन भर पुस्तक चलो या कई बार हम लोग खाते हैं लेकिन घंटों बैठकर बात करते हैं समझने का प्रयास करते हैं तो जो ये समझने में ज्यादा समय लगाते हैं वो सब कौन से इकाई के लोग हैं ज्ञान और जिनको आप इस तरह से ना नहीं कर सकते बल्कि उनको ट्रेनिंग भी देने से कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है आदमी है ना अब उनको या सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है तो कुछ कुछ करने के लिए उनको देंगे कि जंप ऐसा बोलेंगे अगर वो जंप कर गया तो कुछ खाने को मिलेगा और जंप नहीं किया तो उसको हंटर से मारेंगे तो वो उनके कहने के कारण समझ के जंप नहीं कर रहा या तो खाने के लालच में जंप कर रहा या मार के डर से उसमें समझना वो बन गया कुछ नहीं है अभी यहाँ देखे तो यहाँ हम लोग बिना डर के बिना लालच के भी घंटों चर्चा कर सकते हैं तो ये ज्ञान अवस्था की पहचान है ज्ञान अवस्था बाकी सभी चीजों से ज्ञान को ऊपर रखती है तो जो जैसा भोजन हो सकता है आपको यहाँ मिलता हो दोपहर में उससे अच्छा ही घर में मिलता हूँ रोटियां भी उससे अच्छी मिलती होंगी आप ऐसा थोड़ा कि वो दोपहर के भोजन के लिए यहाँ आके बैठ रहे सुबह 8 बजे से रात तक यहाँ शाम तक बैठ रहे हैं किसके लिए क्योंकि हम आप कौन सी अवस्था के लोग हैं मात्र हमारे लिए जीना मुद्दा नहीं है पशु की तरह कि हम खा पी लें और शरीर चला लें इतना मुद्दा नहीं है हम समझदार आते हैं अपने को भी परिवार को भी समाज को भी पूरी प्रकृति और इसलिए ऐसी इकाइयों को क्या कहा पशु के लिए पर्याप्त पशु को खाने का मिल गया खाते भर गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया है ना आदमी भी ऐसे कई सारे लोग ज्ञान की चर्चा में भागीदारी नहीं करते लेकिन कल्पनाशीलता में कुछ कुछ बनाते रहते हैं और कई बार कॉपी में भी ड्राइंग खींचते रहते हैं लेकिन उनको भी देखने मिलता और वो है तो कुछ ज्ञान है कुछ तो प्रयास कर ही रहे तो अंतर क्या है जीव अवस्था में ज्ञान अवस्था में खाने पीने पे कम ध्यान देता उसका ज्ञान पे कई बार दोस्तों से कोई अच्छी चर्चा हो रही होता तो खाने का समय भी भूल जाता है
क्या मानते हैं? ज्ञान। तो इसलिए उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान। ठीक है? ज्ञान। अब कॉपी बनता है सब लोग। प्राण अवस्था पेड़ पौधा
इधर ध्यान देंगे सब लोग, ये जो पदार्थ अवस्था है और इधर क्या है प्राण। आप लोग देखते होंगे प्राण, जैसे नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो पेड़ के पत्ते किसी किसी दिन टूटते हैं, रोज टूटते हैं, टूटते कहाँ मिल जाते हैं, कौन सी अवस्था है पदार्थ। तो पत्ता मिट्टी में मिलकर पत्ता ही बना रहता है या सड़के वापस मिट्टी बन जाता है? सड़के वापस मिट्टी बन जाता है। प्राण अवस्था कहाँ चला गया? प्राण अवस्था बदल गया किसमें? पदार्थ में। हो रहा है? यस सर। चेतना की चेतना कहाँ चली गई? यही है, नहीं ना? नहीं ना? बताओ क्या चर्चा की आप लोगों ने? देखिए आप चेतना की चेतना कहाँ? क्या चर्चा अभी जस्ट कर रहे थे आप? बता सकते हो? आप लाखों बोल रहे हैं, आप बता सकते हो क्या बात कर रहे थे? चांद से उतर के अभी आए नहीं थे, कब के उतर आए? आप दोनों ने पूरे शिविर में बात करते हैं, तो पेड़ की जड़ उन्हीं तत्वों को ढूंढ ढूंढ के अपने अंदर
संभाल लेती है और फिर तने में जाता है, तने से डालियों में जाता है, फिर नए पत्ते निकलते हैं। यही हो रहा है, वो मिट्टी के तत्व मिट्टी से निकल के वापस जड़ में, जड़ से तने में, तने से डाली में, फिर तो वापस के पदार्थ अवस्था किसने बदल गया? बदला कि नहीं बदला? और ये क्या कभी कभी चल रहा, लगातार चल रहा, ये लगातार चल रहा है। इस प्रतिबंध पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में और प्राण अवस्था ब्रेक करेंगे। ब्रेक के दौरान आपको